भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आप लोगों को आज जेएम के पोर्टल में टेंडर कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो हमारा होगा जेएम के पोर्टल में टेंडर भरने कैसे भरते हैं विद कैटलॉग। कैटलॉग बना हुआ होने के बाद जो बायर को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेरा कैटलॉग डिजाइन है और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली हम टेंडर को कैसे भरते हैं। और एक हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जहाँ पे बताएंगे जो विदाउट कैटलॉग्स मतलब मेरे बायर्स को जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं है और उसका हम टेंडर कैसे भरते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे जो बायर्स का जो कैटलॉग्स बना हुआ है, बायर्स के अकॉर्डिंगली जो उसको मेटेरियल सप्लाई चाहिए उसका कैटलॉग बना हुआ है और उसका हम टेंडर कैसे फिल करते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, टेक्निकल कैसे अपलोड करते हैं, फाइनेंस कैसे सबमिट करते हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल्स शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चालू करते हैं। क्योंकि अभी जो 4 का वर्जन है उसमें पास जो चल रहा है पर ये जो ऑप्शंस अभी ऐड हुआ है वो थोड़ा समझने में सर हेलो हाँ बोलिए हाँ बोलिए ये हमारा कैटलॉग रेडी सर रेडी है तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसका रहा तो यहाँ पे देखिए उसका आ गया डिटेल्स, तो आपको इस पे टिक करना है। सर एड और अपडेट ऑफर में डालो ना इसमें एड ऑफर पर हाँ नहीं यहीं पर डायरेक्ट आने का वन बाय वन स्टेप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये क्लिक करेंगे ना तो होएगा ना सर ऑफर प्राइस बोल रहे क्या ये एड और अपडेट ऑफर है ना यहाँ नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है पर पार्टिसिपेट करना पार्टिसिपेट हाँ पा भी आया देखिए वो ले नहीं रहा है प्रॉपर वे से यहाँ पार्टिसिपेट करने का इसको चूज करना होता है अपने को देखिए चूज दिस आइटम ओके यहाँ पे चूज करने का फिर आपको आगे का डिटेल्स देता है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू अभी आया ओके तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मतलब शायद अभी उनका टेक्निकल इश्यूज है क्या नहीं तो ये इजीली हो जाता था 4.0 के वजह से कुछ अपडेट्स बाकी है शायद इनका अभी यहाँ पे वन बाय वन ऑफर प्राइस हम लोग टेक्निकल बिट से ऑफर प्राइस आए अभी यहाँ पे आपको क्या प्राइस डालना है बोलिए एमआरपी आपका प्राइस बिलो देखिए इससे बिलो डालना है 10,800 से बिलो 8,000 डालिए 1,08,000 है सर टोटल प्राइस है क्या ये हाँ इंटर प्राइस बिलो यूनिट रेट 4,000 डाल तो कितना होता है सर होता है 4,000 इंटू 23
हो जाएगा बराबर 92,000 होता है, 92,000 होएगा। आप यहाँ पे डाल दिए इसको इनक्रिप्ट एंड सेव। बाद में एडिट कर सकते हैं ना, सब कर सकते हैं। चलो सर, आपको ओटीपी नहीं डालेंगे, आपका काम उतना तो जरूर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे, बेस्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट देखिए आपको अपलोड करने के लिए दे दिया है। ये सब आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है एक एक करके। जनरली पीडीएफ रहता है कि जेपीजी रहता है सर? एमएसई फॉर दिस प्रोडक्ट, यदि आप एमएसएमई है तो एमएसएमई दे लेंगे, और Do you want to request for EMD exemption? यदि MSME है तो EMD में exemption जरूर लेंगे हम। देखिए यहाँ पे हम एक फाइल अपलोड कर लेते हैं। JPG रहेगा कि PDF रहेगा सर? JPG PDF ना? यहाँ पे देखो लिखा रहेगा। हाँ वो asterisk पे मारेंगे ना तो आएगा। हाँ यहाँ। हाँ IP IP बराबर IP। PDF रहता है। अब जेपीजी अलाउड करता है क्या? नहीं, नहीं, पीडीएफ है तो पीडीएफ, पीडीएफ है तो इशू नहीं है सर। हां पीडीएफ ही अपलोड कर। अच्छा सर, ये गूगल पे ज्यादा अच्छा चलता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे? नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चलता सर ये प्रॉपर, ये सबसे अच्छा गूगल पे चलता है और वो भी अपडेटेड वर्जन। ओके, सबसे बेस्ट है गूगल क्रोम, सबसे बेस्ट। मतलब ये मैं आपको 3.0 तक का बता रहा हूँ, 4.0 में यदि क्या है तो बता रहा हूँ। नहीं, क्योंकि बाकी जनरल गवर्नमेंट साइट जितनी है वो सब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलती है, क्योंकि इसको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है इसके वजह से। ओके अच्छा, दो साइट को डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके लिए सबसे अच्छा है। जिसको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है वहाँ पे आप अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग चीजें हम यूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए सबसे बेस्ट क्रोम है, मोजिला वगैरह भी अच्छा नहीं है, सबसे बेस्ट है। बराबर है सर, सही है ये। देखिए हमारा ईएमडी का आ गया, तो वो जैसे मैंने बोल दिया इसको ईएमडी परसेंटेज 3% था ईएमडी अमाउंट, मुझे अभी ईएमडी यहाँ पे भरना नहीं पड़ा, डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिए आपका टेंडर सबमिट। ओटीपी मोबाइल पे आता है सर? ओटीपी जो मोबाइल नंबर दिया है उसी पे आएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? सर ओटीपी डालिए सर। हेलो सर, मेरे को एक बताइए ना सर, वो 74250 क्या आया था? कौन सा सर? वो ईएमडी था सर, ईएमडी ईएमडी 3% ईएमडी थोड़ी 3, मतलब 92,000 में से कट हो गया क्या वो? किसका? नहीं नहीं नहीं, टेंडर वैल्यू के ऊपर, टेंडर वैल्यू के ऊपर 3%। ओटीपी आया, देखो सर रजिस्टर मोबाइल आईडी, हां यहां पे डाल दीजिए ओटीपी, आपका ये टेंडर सबमिट। हां अभी नहीं करना है वो, अभी करना है डॉक्यूमेंट्स गलत है एक्चुअली, सही होता तो भी डालते तो भी चलता था, कैंसिल करता हूं। ये बहुत ही इजी है टेंडर भरना, सिर्फ आपको यहाँ पे जो हम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है अपने को टेक्निकल, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका कैटलॉग को रेडी करना। बोलिए सर, बाकी अभी और किसी को कुछ डाउट्स है या फिर टेंडर भरना है और एक बार देखेंगे कि आप सर, नहीं नहीं सर, बंडल बिड। हाँ हाँ बोलिए, मैं बोलू सर? हाँ बोलिए बोलिए सर। बंडल बिड के लिए कैसा रहेगा? ये तो सिंगल आप देख रहे? हाँ ये सिंगल से। अगर बंडल बिड रहेगा तो कैसा करने का?
दोनों को फिर ऐसा इंडिविजुअली करना पड़ेगा क्या कैसा? नहीं, सबके ऑफर प्राइस अलग अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, बंडल बिड रहता है ना कितनी बार, अभी समझो एक चीज नहीं मांग रहा है, अभी समझो प्रोजेक्टर भी मांग रहा है, स्क्रीन भी मांग रहा है। बराबर बराबर है, सबका जो ऑफर प्राइस होगा ना, ये ऑफर प्राइस ये मल्टीपल रहेगा, यहाँ पे अलग अलग लाइन आइटम मल्टीपल रहेगा, अलग अलग आइटम का यहाँ पे एक नहीं रहेंगे, मल्टीपल ऑफर प्राइस रहेगा, सबके आपको ऑफर प्राइस अलग अलग डालना पड़ेगा।